आज हम कढ़ाई गोश्त बनाना सीखेंगे नेशनल के मसाले से। तो ये गोश्त है, ये मैंने बॉईल करके लहसुन और थोड़ी सी हल्दी के साथ ये रखा हुआ है। ये प्याज, टमाटर और ये इसकी यखनी है और ये हमारे पास मसाला है। तो अब शुरू करते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज डाल दें, और प्याज़ों को यहाँ पे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस जैसे ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हों इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, और उसके बाद साथ ही टमाटर भी डाल दें। इस टाइम पर मैंने अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी डाल दिया, इससे ज़रा खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब थोड़ा सा इसको मिक्स करके तो फिर अंदर टमाटर डाल देना है और एक पैकेट इसका नेशनल मसाले का, ये चले के अंदर टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा भून लेते हैं। ये चला गया अब अंदर नेशनल का मसाला। अब इसको मिक्स कर लें, और अगर आपको लगता है कि मसाला थोड़ा लग रहा है नीचे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अब ये भून कर थोड़ा सा, वैसे तो इस मसाले में हर चीज़ होती है लेकिन फिर भी अगर कुछ कम लग रहा है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नमक, या अगर गोश्त की स्मेल नहीं पसंद किसी को घर में तो दालचीनी, इलायची, लौंग, इस तरह की चीज़ें। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर हल्की आंच पे इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और प्याज भी और सब कुछ जो है वो आपस में मिल जाए। इस मसाले को निकाल के अब हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर दोबारा इसमें डाल के थोड़ा और भून लेंगे। ये कुछ चीज़ें काटी हैं मैंने, ये अब जाएंगी अंदर और ये गोश्त अंदर चला जाएगा। ये अच्छी तरह भुना गया मसाला, ऑयल बिल्कुल बाहर आ गया और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। साथ ही चली जाएंगी ये चीज़ें, और ये करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पर थोड़ी देर के लिए रख देना, और बस फिर ये रेडी है। अब हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अच्छा, इसमें शुरू में जब मैंने प्याज़ों के बाद पानी जो डाला था वो मैंने वही यखनी वाला पानी डाला था। आप चाहें तो दूसरा भी डाल सकते हैं लेकिन उसमें ज़रा फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। अब इस तरह ऊपर से इस पर थोड़ा सा धनिया और थोड़ी अदरक काट के और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लें, और बस इसको हम इस तरह कढ़ाई में ही सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर पसंद आई रेसिपी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।